पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर तोहीन अदालत की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच 3 जनवरी को समाप्त करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई उम्मीदवारों के इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी पूरी न कर सका, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात रुक में इंतना, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच कल समाप्त करेगा। इलेक्शन कमीशन की 26 दिसंबर के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील। लाहौर हाईकोर्ट का रिटर्निंग अफसरान को फैसलों की मुसद्दिका नकुल फराहम करने का हुक्म, नकल लेने जाने वालों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। परवेज इलाही के वकील बोले नुमाइंदा आरओ ऑफिस गया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मुसद्दिका नकुल न मिलने से अपील दायर नहीं हो सकती। N130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करार दिया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एतराज, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की मुसद्दिका नकल साथ लगाने की हिदायत। ताहयात ना अहली के सुप्रीम कोर्ट में कल अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच तश्कील, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिया आफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा। कौमी असेंबली के लिए 1024 और सूबाई असेंबली के लिए 2216 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। उम्मीदवारों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, आफ्ताब जहांगीर समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं ने अपीलें दायर कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलदम करार देने की इस्तदा। को गुजरावाला कैंट में जलाओ घेराओ, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 51 मुलजमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुलजमान के घरों और शहर के अहम मकाम पर इश्तिहारा आवेजा, मुलजमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और दीगर शामिल। शहबाज शरीफ हाजिर हो, फैजाबाद धरना केस में साबिक वजीर आजम को इंक्वायरी कमीशन ने तलब कर लिया, बतौर साबिक वजीर आला पंजाब 3 जनवरी को बयान कलमंद करवाने की हिदायत। और नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा, 64,661 पॉइंट्स पर बंद।